हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि HURL यानी हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड से आउट की गई हैं। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी, कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में वन बाई वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने HURL की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, जहां पर आपको होम पेज पे ही करियर सेक्शन में वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर फर्स्ट नंबर पर ही दिया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव 2022 रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव। यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ से आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लिया है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी है। 24 जून यानी आज से ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 3 जुलाई 2022 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। सबसे पहले डिसिप्लिन देख लेते हैं। अनुमिया डिसिप्लिन में जूनियर इंजन असिस्टेंट सेकंड के लिए यहाँ पर 30 वैकेंसी है। आज इंजन असिस्टेंट फर्स्ट में यहाँ पर 45 वैकेंसी है। एंड एज लिमिट की बात करें तो जूनियर इंजन असिस्टेंट्स के लिए यहाँ पर 30 ईयर है। इंजन असिस्टेंट फर्स्ट के लिए यहाँ पर 35 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से ही फॉलो होगी। एंड सभी डिसिप्लिन में जूनियर इंजन असिस्टेंट के लिए, इंजन असिस्टेंट के लिए एज लिमिट एंड एक्सपीरियंस सेम है। यानी कि जूनियर इंजन असिस्टेंट के लिए 30 ईयर है, एक्सपीरियंस 5 ईयर है। जो इंजीनियर असिस्टेंट के लिए 35 ईयर है एंड एक्सपीरियंस आपका 10 ईयर का है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अमोनिया में देख लेते हैं। बीएससी केमिस्ट्री में कम से कम 40% मार्क्स के साथ मांगा गया है। या अगर आपका फर्स्ट 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग में है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट डिसिप्लिन यूरिया में है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट सेकेंड के लिए 15 वैकेंसी है। इंजीनियर असिस्टेंट के लिए फर्स्ट में 30 वैकेंसी है। बीएससी केमिस्ट्री में मांगा गया है या आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वो डिसिप्लिन आपका ऑफ साइट्स एंड यूटिलिटीज में है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट सेकेंड के लिए यहाँ पर 15 वैकेंसी है। इंजीनियर असिस्टेंट के लिए 30 वैकेंसी है। बीएससी केमिस्ट्री में मांगा गया है या आपके पास डिप्लोमा केमिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपका यूरिया प्रोडक्ट हैंडलिंग के लिए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट सेकेंड में 15 वैकेंसी है। इंजीनियर असिस्टेंट फर्स्ट में 15 वैकेंसी है। यहाँ बीएससी केमिस्ट्री में मांगा गया है, आपके पास 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आपका मैकेनिकल है। नेक्स्ट डिसिप्लिन मैकेनिकल है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट सेकेंड में 33 वैकेंसी है। इंजीनियर असिस्टेंट में 36 वैकेंसी है। यहाँ पर 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कम से कम 40% मार्क्स के साथ मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट आप नेक्स्ट डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल है। इंजीनियर असिस्टेंट फर्स्ट में यहाँ पर 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 18 वैकेंसी यहाँ पर है। नेक्स्ट आपका डिसिप्लिन इंस्ट्रूमेंटेशन में है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट सेकेंड में 24 वैकेंसी है। इंजीनियर असिस्टेंट फर्स्ट में भी 24 वैकेंसी है। यहाँ पर 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन में या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में मांगा गया है। नेक्स्ट आपका डिसिप्लिन स्टोर है। जूनियर स्टोर असिस्टेंट सेकंड के लिए 3 वैकेंसी है। स्टोर असिस्टेंट के लिए फर्स्ट में 6 वैकेंसी है। स्टोर असिस्टेंट थर्ड में यहाँ पे 3 वैकेंसी है। अगर आपके पास बीए, बीएससी या बीकॉम है कम से कम 40% मार्क्स के साथ में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर स्टोर असिस्टेंट सेकेंड के लिए 30 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। स्टोर असिस्टेंट के लिए 35 ईयर, 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। स्टोर असिस्टेंट सेकेंड के लिए यहाँ पर 40 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 15 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट आपका एनवायरमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल के लिए जूनियर लैब असिस्टेंट सेकेंड में 18 वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट फर्स्ट में 18 वैकेंसी है। यहाँ पर फुल टाइम बीएससी केमिस्ट्री में मांगा गया है। एंड नेक्स्ट आपका क्वालिटी अश्योरेंस एंड कंट्रोल इंस्पेक्शन में है। जूनियर क्वालिटी असिस्टेंट के लिए 6 वैकेंसी है। क्वालिटी असिस्टेंट फर्स्ट में भी 6 वैकेंसी है। यहाँ पर बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में कम से कम 40% मार्क्स के साथ मांगा गया है। ये अगर आपके पास 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 31 मार्च 2022 इसकी कट ऑफ डेट है, यानी कि इस डेट तक आपकी एज, पोस्ट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस की काउंटिंग की जाएगी।
एंड जो भी कैंडिडेट सिलेक्शन लेते हैं उन्हें 1 ईयर के प्रोवेशन पीरियड पर भी रहना होगा यहाँ पे। रेमुनेशन देख लेते हैं, जिनके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस मिनिमम है उन्हें एवरेज 4.1 लाख CTC रेंज में सैलरी मिलेगी जो कि पर एनम होगा। मिनिमम एक्सपीरियंस के पास 10 ईयर है उन्हें एवरेज 4.9 लाख पर एनम की सैलरी मिलेगी एंड मिनिमम एक्सपीरियंस 15 ईयर्स को 5.8 लाख की पर एनम यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। एंड सिलेक्शन प्रोसेसेस देख लेते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा एंड इसका आपका जो टेस्ट का सेंटर होगा वो दिल्ली रहने वाला है एंड फाइनल सिलेक्शन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर ही होगा। एंड एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं कैसा रहेगा, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड MCQ टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे एंड 2 आवर्स का समय दिया जाएगा, जिसमें सेक्शन फर्स्ट से आपके यहाँ पर 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपका सब्जेक्ट नॉलेज 40 मार्क्स का होगा, जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी 10 मार्क्स का होगा, लॉजिकल रीजनिंग 10 मार्क्स का, जनरल नॉलेज अवेयरनेस 10 मार्क्स का रहेगा। एंड इस तरह से आपके 80% मार्क्स आपके सेक्शन फर्स्ट से होंगे, सेक्शन टू से आपके कंसिस्टिंग ऑफ ट्रेड टेस्ट यानी जिस ट्रेड टेस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं उससे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड यहाँ से आपका टोटल 100% का मार्क्स बन जाएगा एंड प्रत्येक इस सेक्शन को क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 50% मार्क्स लाना जरूरी है एंड यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है एंड किसी भी तरह की फीस नहीं दी गई है। तो देख लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना, उसके लिए वेबसाइट पर विजिट करना होगा, यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है, 24 जून से 3 जुलाई तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आई हैव रीड टर्म्स एंड कंडीशंस, कंटिन्यू पर क्लिक करना है आपको। देन आप यहां से बेसिक रजिस्ट्रेशन करके नेशनलिटी, टाइटल, एप्लीकेंट फुल नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। देन आपको रजिस्ट्रेशन यहां से डन कर देंगे, टेक्स्ट डालने के बाद रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन आप लॉगिन करके फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करके उसे 3 जुलाई 2022 से पहले सबमिट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।